हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। आज जो है हम बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। आज का वीडियो हम स्प्रिंग के ऊपर बनाने वाले हैं। तो आज जो है मैं आपकी स्प्रिंग के सारे कैलकुलेशन बताऊंगा, उस कैलकुलेशन से कैसे डिजाइन बनाओगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। एक हम लोग की न्यूमेरिकल रहेंगे। मैंने एक टाइम पे एक केस किए थे जहाँ पे मेरा एक स्प्रिंग की जो है सारा फॉर्मूला लगा के उसकी कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना पिच होना चाहिए, कितनी लेंथ टोटल फ्री लेंथ कितना होना चाहिए, ठीक है, स्प्रिंग इंडेक्स कितना लेना चाहिए, अब कितना फोर्स लगा रहा है, वो भी आप फॉर्मूले के साथ विद टेबल में बात करूंगा इसमें। और वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहना, इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए लास्ट तक जुड़े रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्प्रिंग। तो व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग इज अ इलास्टिक बॉडी दैट एब्जॉर्ब द लोड एंड रिकवर व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो बेसिकली होता ही है, स्प्रिंग में जैसे आप लोड अप्लाई करते हो तो इस लोड को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, डिस्टॉर्ट कर लेते हैं। अब जो लोड अब हटा देते हो तो फिर बैक टू इस ओरिजिनल शेप, जहां की इसका जो पुराना शेप है उस शेप में वो रिटर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट है। तो अभी बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्प्रिंग। टाइप्स जो स्प्रिंग की टाइप्स होते हैं कितने टाइप का होता है? बेसिकली जो हम लोग देखते हैं तो हेलिकल स्प्रिंग ही देखते हैं, ठीक है। हेलिकल में भी दो टाइप आता है, एक होता है आपको कंप्रेशन आता है, एक आपको टेंसाइल आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं कोनिकल में, हॉलीवुड में आते हैं। मैं आपको पिक्चर के साथ दिखाऊंगा कैसा होता है दिखने में, ठीक है। तो उसके बाद जो आपको आती है कोनिकल हॉलीवुड आते हैं, फिर आपका टॉर्जन आता है। टॉर्जन में दो टाइप होती है, एक होता है हेलिकल होता है, दूसरा आपकी स्पाइरल होता है। नेक्स्ट आपका लेमिनेटर आता है और लिप टाइप भी बोलते हैं हम उसको। उसके जो नेक्स्ट आते हैं हम डिस टाइप स्प्रिंग भी देखते हैं कभी कभी, रेयरली यूज करते हैं ये। और जो स्पेशल पर्पज स्प्रिंग होते हैं वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं स्पेशल पर्पज को। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी टाइप स्प्रिंग कैसे देखते दिखने में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ये आपकी हेलिकल स्प्रिंग में आती है। इसमें हेलिकल में दो टाइप आता है, कंप्रेशन हेलिकल स्प्रिंग और आपके टेंसर हेलिकल स्प्रिंग। आज जो हम मैं जो डिजाइन बनाऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं की कैलकुलेशन कराऊंगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्प्रिंग में। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है, जो मेरा स्प्रिंग है कितना लोड बेयर कर पाएंगे, कितना पिच होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, सब हम आज करने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरा जो स्प्रिंग आती है वो आपका आती है कॉनिकल और होलो स्प्रिंग, ठीक है। तो कॉनिकल स्प्रिंग आप देख ही पा रहे हो और होलो स्प्रिंग कैसे होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा स्प्रिंग आती है टॉर्जनल स्प्रिंग आती है। टॉर्जनल में आप देख पा रहे हो हेलिकल टॉर्जनल स्प्रिंग आती है और स्पाइरल टॉर्जनल स्प्रिंग आप देखे हो ये, ठीक है। और जो लास्ट मेरा आती है लेमिनेटर स्प्रिंग और आपकी डिस्क स्प्रिंग, ये आपकी लेमिनेटर हो गई और आपकी ये डिस्क स्प्रिंग हो गई। तो स्प्रिंग इस टाइप का होती है। अब हम जो डिटेल्स में जाएंगे, डिटेल में जो मैं न्यूमेरिकल वगैरह करके निकालूंगा कैसे स्प्रिंग की पिच निकलती है, लेंथ कितनी निकलती है, डायमीटर कैसे निकालना है वो हम करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा मैं मेटल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मेटल वगैरह कैसे लेते हैं? तो जो हम स्प्रिंग मेटल कंसीडर करते हैं तो हमको स्प्रिंग मेटल में हम लोग की जो इसकी शियर स्ट्रेस होती है, जो इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, जो इसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो हमको ये सब चीजें देख के आपको कंसीडर करना होगा विच मेटल यू विल यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो कार्बन स्टील होते हैं सबसे ज्यादा बढ़िया होता है, मैजिक वायर होता है, ऑयल टेम्पर्ड वायर होता है, स्टेनलेस स्टील वायर होता है, ब्रास का भी यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट होती है ऊपर की तीनों जो आते हैं कार्बन स्टील, मैजिक वायर और ऑयल टेम्पर, इसमें जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है सबसे ज्यादा होती है, 80 किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में आती है, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आती है। तो उसकी जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है 210 होता है, सबसे ज्यादा होती है तीनों में। तो बेसिकली हम तीनों ही ज्यादा यूज करते हैं और बाकी आप कहीं क्या आपको स्टेनलेस स्टील वायर भी देख पाओगे, ब्रश का भी देख पाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा ऊपर का तीनों यूज होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखना आपको ये है, जो आपकी वैल्यूज है आपको बहुत काम आने वाला है। आप किसी अगर न्यूमेरिकल करोगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू को इम्पोर्ट करना पड़ता है। तो आप इसको आप ऐसे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसको भी सही है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम स्प्रिंग के थोड़ा डिटेल की बात डिटेलिंग्स में जा रहे हैं, ठीक है, क्या क्या स्प्रिंग में देखना पड़ता है, क्या क्या होना चाहिए, हम उसको डिटेलिंग में जा रहे हैं। तो मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझा दूं उस चीज को। बेसिकली ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग का जो मेन डायमीटर है, जो मेरा मेन डायमीटर होती है, अब आउटर डायमीटर मत समझ नहीं, मेन डायमीटर होती है, जो मेन डायमीटर होती है मेरा डी होती है। जो एक वायर से दूसरा वायर तक जो डिस्टेंस होती है हम उसको पिच बोलते हैं, जो कॉइल से दूसरा कॉइल होती है, और जो कॉइल की डायमीटर होते हैं हम उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैं डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, तो मैं यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डब्ल्यू लगेंगे लोड, ठीक है, आप देख पा रहे हो। फिर ये मेरा कंप्रेस लेन हो गई, ठीक है, और यहाँ पे अगर बोथ साइड से मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो मेरा कितना कंप्रेस सॉलिड हो जाएगी, ये कंप्रेस सॉलिड में काउंट करेंगे। तो नेक्स्ट मेरा आता है स्प्रिंग इंडेक्स,
तो स्प्रिंग इंडेक्स होता कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब कहीं पर भी आप किसी वायर की अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको स्प्रिंग इंडेक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या होता है, स्प्रिंग रेट क्या क्या होता है आपको पता होना चाहिए, टिप्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए सब चीजें। तो जो मेरा स्प्रिंग इंडेक्स होती है तो रेशियो मेन डायमीटर वही टू इज कॉइल डायमीटर। तो जो मेरा मेन डायमीटर है, मेन डायमीटर बोले तो जो मेरा टोटल डायमीटर है इसकी मेन डायमीटर है डिवाइड बाई डी, तो आप क्या लिखोगे सी डिवाइड बाई डी, इसकी फॉर्मूला याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो मेरा आता है स्प्रिंग रेट, सो स्प्रिंग रेट होता है दोस्तों क्या होता है, जो लोड रिक्वायर्ड होता है पर यूनिट डिफ्लेक्शन, तो इसको हम स्मॉल के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मेरा डब्ल्यू वो लोड होगी और मेरा डिफ्लेक्शन, तो डब्ल्यू को मैं डिफ्लेक्शन से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे स्प्रिंग रेट मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा आता है पिच, तो पिच क्या होता है दोस्तों, जो आपकी फ्री लेंथ होती है, जैसे आपकी एक्सेल जो डिस्टेंस होती है बिटवीन द एज एंड कॉइल, ये अनकंप्रेस स्टेट में होना चाहिए, अगर कंप्रेस होगा तो आप निकल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो हम इसके पिच निकालते, पिच निकालने का फॉर्मूला होता है आपकी P इक्वल टू एल एफ एन माइनस वन, एन होगी आपकी नंबर ऑफ कॉइल, कितना कॉइल है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको किसी और स्क्रीन शॉट लेना है तो यहाँ से स्क्रीन शॉट ले सकते हो आप। नेक्स्ट जो मेरा आते है वेल फैक्टर, इसमें इसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इसमें आपकी क्या क्या चीजें दिखा जाता है जो आपकी वेल फैक्टर होती है। तो ये मेरा फॉर्मूला है, तो इसको ध्यान रखना, के इक्वल टू फोर सी माइनस वन डिवाइड बाई फोर सी माइनस फोर प्लस जीरो पॉइंट सिक्स वन फाइव डिवाइड बाई सी। स्प्रिंग हो गई आपकी, स्प्रिंग मैंने क्या बताया था आपको, स्प्रिंग इंडेक्स है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो अगर कहीं फॉर्मूला में आपको के दे रखा है, के फिर दे रखा है, तो आपको सी का वैल्यू नहीं दे रखा होगा, तो ये फॉर्मूला है कि आप सी का वैल्यू निकाल सकते हो। अगर किसी के फॉर्मूला में आपको डी का फॉर्मूला के आपको के निकालना है, तो वहां से आप सी का वैल्यू डाल के वो निकाल सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए सी जगह। तो जहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, कहीं पे अगर स्प्रिंग में आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला लगती है ए डब्ल्यू डी क्यू इंटू एन जी डी पावर फोर। तो ये जो फॉर्मूला लगती है, इसमें आपका डब्ल्यू होगी आपकी लोड होगी, डी होगी आपकी कैपिटल डी होगी मेन डायमीटर होगी, एन होगी आपका नंबर ऑफ कॉइल होगी, जी होगी आपका मॉडुलस ऑफ रेजिस्टिविटी और स्मॉल डी होगी डायमीटर ऑफ द कॉइल। तो ये फॉर्मूला लगा के लास्ट में हम लोग को ये फॉर्मूला लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखना होगा, आप यह फॉर्मूला लगाओगे। नेक्स्ट आता है आपका शेयर स्ट्रेस, स्ट्रेस टेप का फॉर्मूला आपको बताइए, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस टेस्ट होता है, अगर मान लो किसी में आपको शेयर स्ट्रेस निकालना होता है या डी निकालना होता है या एल निकालना डब्ल्यू निकालना होता है, तो इस केस में आप ये फॉर्मूला लगाओगे, के की फॉर्मूला आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ, ठीक है, के इंटू डब्ल्यू डब्ल्यू सी डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा के आप शेयर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेस निकाल सकते हो। और दोस्तों देखो, ये जो मेरा फॉर्मूला है ना हेलिकल के ऊपर है, ठीक है। तो अगर आप जाते हो मान लो कंपोजिट स्प्रिंग हो गई, उसके मान में कुछ कंपोजिट स्प्रिंग में आपको डी वन डी टू निकालना पड़ेगा, आप देख रहे हो रेलवे में यूज कर रहे हो उसके लिए थोड़ा अलग होगा, तो बेसिकली फॉर्मूला यही होगा, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जहां पे आपके एंगल पे आ जाएंगे स्प्रिंग, अगर आपके एंगल पे आएंगे वहां पे आपको थीटा वगैरह निकालना पड़ेगा, तो कुछ कुछ चीजें आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज हेलिकल के ऊपर है। तो दूसरी चीज आपकी फ्री लेंथ, टोटल जो ओवरऑल लेंथ होती है, जैसे स्प्रिंग का मैंने देखा था ओवरऑल जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ कितना होता है आपको यहाँ पे निकालना होगा, एन इंटू डी प्लस डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 इंटू डिफ्लेक्शन। तो ये आपको ये इस फॉर्मूला से आपको निकल जाएंगे जो जितना आपको निकालना होगा, ठीक है। तो दोस्तों दूसरी चीजें हम आते हैं इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे निकलती है स्प्रिंग, कैसे आपको डिजाइन करते हैं स्प्रिंग डिजाइन करने के बाद। मैं पूरी डिजाइन भी कर रहा हूँ इसमें, पूरा डिजाइन भी आप देखोगे तो, मैं इस वीडियो को पहले बना रहा हूँ तो आप देखिए इसमें, ये जिसको भी स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो मेरा ये जो है इसमें देखिए, एक कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है, बेसिकली ज्यादातर कॉम्प्रेशन स्प्रिंग जो होते हैं हेलिकल में। तो ये मेरा एक मोल्ड है, जो मेरा एक मोल्ड है, ठीक है, इसमें मेरा सिंपल मोल्ड है, इसमें मेरा हेलिकल स्प्रिंग लगा रहा है कॉम्प्रेशन वाला। तो मैं इस कैलकुलेशन किया था एक टाइम पे, तो मैं इसको करना चाहता दोबारा, जब मैंने डिजाइन किया था कितना सही है कितना नहीं सही है, तो एक बल्क में हम लोग प्रोडक्शन हुए थे उस टाइम में हमने इसको करना हो रहा। तो इसमें क्या था, एक डिजाइन है हेलिकल स्प्रिंग, मैक्सिमम लोड 2000 न्यूटन लोड एक्ट हो रहा है, डिफ्लेक्शन 50 mm डिफ्लेक्शन हो रहा है लोड की वजह से, और जो स्प्रिंग इंडेक्स है मेरा सी जो है मेरा 5 है, और जो मैक्सिमम परमिसेबल स्ट्रेस से जो स्ट्रेस स्ट्रेस है हम लोग इसको 420 MPa है, हम इसको न्यूटन पर एमएस में कन्वर्ट कर लेंगे। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो जी होती है मेरा 84 में है, और जो व्हील फैक्टर दे रखा है ऑलरेडी मुझे पता है, हम डिस्कस किए तो ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है।
तो इस केस में W होगी मेरा 2000 की, है ना, डिफ्लेक्शन होगी मेरा 50 mm की, C होगी मेरा 5, O होगी मेरा 420 का, इसको हम न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है, और जी जो था मेरा किलो न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में था, इसको मैं न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मुझे दोनों यूनिट सेम करना है तभी मेरा जो न्यूमेरिकल हो पाएंगी, तो मैंने इसको न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। अब दोस्तों देखो, मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अभी इसमें जो है मुझे हेलिकल की स्प्रिंग की डिजाइन करने है बोला है। अब हेलिकल स्प्रिंग आपको डिजाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपके डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, आपको तो मेन डायमीटर पता लग जाएगा, आउटर डायमीटर कितना होगा, आपका नंबर ऑफ कॉइल क्या होगा, फील्ड लेंथ कितना होगा, पिच कितना होंगे, तो आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीज आपको पता कैसे करोगे, आपके पास कितना वैल्यू है। तो सबसे पहले जो हम निकालेंगे इसकी डी निकालेंगे, मेन डायमीटर, कॉइल डायमीटर और आउटर डायमीटर निकालेंगे सबसे पहले। तो उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो उसके बाद जो है हम इसकी शेयर स्पेस का दे रखा है, तो शेयर स्पेस से हम शेयर स्पेस का फॉर्मूला लगाएंगे और डिफ्लेक्शन का भी फॉर्मूला लगाएंगे। तो उस केस में क्योंकि डिफ्लेक्शन का वैल्यू दे रखा है तो मुझे डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। शेयर स्पेस दे रखा है, मैक्सिमम शेयर स्पेस का फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, ठीक है। और फ्री लेंथ भी निकालना पड़ेगा, तो फ्री लेंथ का भी फॉर्मूला लगाएंगे, पिच का भी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सब ध्यान से दिखेगा थोड़ा, अब मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। जो मैं अगर मैं इसमें सीआर स्ट्रेस का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, जिसमें मुझे यहाँ पे फॉर्मूला में मुझे के दे रखा है, के का मुझे वैल्यू जो है मुझे यहाँ पे दे रखा है, तो मेरा यहाँ पे डी निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे आप फंसो तो सारे फॉर्मूला साइड में लिख लो, आपके पास क्या क्या दे रखा है वो आप देख लो, ठीक है। और जो डिफ्लेक्शन है, डिफ्लेक्शन से मुझे क्या निकल जाएगी, मुझे एन निकल जाएगी। एक बार मुझे मुझे ऑलरेडी सी दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, जो फॉर्मूला था मेरा स्प्रिंग इंडेक्स का, सी इक्वल टू कैपिटल डी बाई डी, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, सी दे रखा है तो मेरा स्मॉल डी भी निकल जाएगी, कैपिटल भी डी निकल जाएगी, तो मेरा डी नॉट आउटर डायमीटर भी मुझे निकल जाएंगे इसमें। तो मेरा यहाँ पे क्या निकल जाएगी, डी कैपिटल डी स्मॉल डी और आउटर डायमीटर भी निकल जाएंगे। इस फॉर्मूला से मेरा एन निकल जाएगा, ठीक है। अगर मेरा एन निकल जाएगा मुझे सारे कुछ निकल जाएगी मुझे, ठीक है। तो एन से मेरा फ्री लेंथ भी निकल जाएंगे, एन से मेरा स्पीड भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो सारा मुझे निकल जाएगा इस केस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दे रखा है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले के मेरा दे रखा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, सी की वैल्यू 5 है तो इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देख सकते हैं, कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो 1.31 जो मेरा के है, जो व्हील फैक्टर है, मेरा निकल गया यहाँ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था मैं शेयर स्ट्रेस फैक्टर लगाऊंगा, तो शेयर स्ट्रेस फैक्टर लगाऊंगा तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालूंगा, तो मेरा ये फॉर्मूला लगेगा। अब जैसे मेरा यहाँ के निकल गई, मुझे यहाँ पे के निकल जाएगी, तो मुझे डी निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मेरा डी निकल जाएंगे 6.3। अब नेक्स्ट क्या आता है, मेरा डी तो निकल गया 6.3। अब अपने जो डी निकाला है 6.3, आपके कैलकुलेशन से हिसाब से 0.31 समथिंग, इसके पीछे भी कुछ वैल्यूज होंगे, बट आपका जो डी है 6.3, वो आप 6.3 नहीं भी ले सकते। मतलब आपकी एक फोर्थ टेबल होती है, मैं आपको टेबल लिखाता हूँ इसमें, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएंगे। जो आपकी डी निकल रहा है इसमें, वो टेबल के हिसाब से इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आप सिलेक्ट करोगे, 6.3 का जो नियरेस्ट वैल्यू है वो आप सिलेक्ट करोगे। लेकिन मैंने इसमें सिलेक्ट नहीं किया, मैं आपको कन्फ्यूज करना नहीं चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होना, तो मैं आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, उसमें आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसमें, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपकी जो स्टैंडर्ड आपकी वायर गॉज है, इसकी स्टैंडर्ड है। तो जैसे आप देख पा रहे हो मेरे पास 6.3 आ रखा है, तो मैं 6.3 के जगह 6.41 लूंगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो आपकी जो नियरेस्ट वैल्यू है, अगर आपके पास 7 आ रहा है तो आप क्या लोगे, ये वाला लोगे, तो आपको नियरेस्ट वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो अब जो है इसकी 6.4 लोगे आप, तो आपको आप ऐसे करके भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसमें ऐड नहीं किया, मुझे कन्फ्यूज नहीं करना है आपको, तो सिंपल फंडा है। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है। तो इसमें देख के आप इसकी नियरेस्ट वैल्यू आप ले लोगे स्प्रिंग में, ठीक है। ठीक है, जब आप किसी चीज का आरएनडी करते हो ना, आपको बहुत कुछ चीजें होके जाना पड़ता है, इसलिए आरएनडी में बहुत स्कोप भी है, बहुत पैसा भी है, तो आपको उस चीज देख के आपको बनाना पड़ता है। तो हम जैसे आप मेरे पास काम आते हैं, तो हमको आरएनडी वगैरह करके दिखाने देना पड़ता है, आपकी फाइल वगैरह देना पड़ता है। कभी कभी आप किसी पैटर्न फाइल में काम करते हो तो सारा कुछ आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगे, फिर आपको कितना लेना है, यहाँ पे आपको 4.0, तो मैंने आपको बताया 6.3 आ रहा था, मैं यहाँ पे 6.4 लूंगा, ठीक है, ये वाला वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6.4 वैल्यू लेके आप चूज कर सकते हो।
तो बेसिकली मेरा डी निकल गई है, तो मैं यहाँ पे 6.3 कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो मेरा स्प्रिंग इंडेक्स था, तो डी वाई डी मेरा जो मीन डायमीटर है, ध्यान रखना ये मीन डायमीटर है, आउटर डायमीटर नहीं है, ठीक है। जब भी आप करोगे तो मीन डायमीटर और जो आपकी वाई डायमीटर है दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा आउटर डायमीटर निकालने के लिए। तो मेरा मीन डायमीटर है 31.5 निकल गई है, ठीक है। अब मुझे इसके आउटर डायमीटर निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे, जैसे मैंने आपको बताया डी प्लस डी, तो मेरा 38.8 का मेरा आउटर डायमीटर निकल गया है, ठीक है। तो मैंने कुछ कुछ वैल्यू चेंज किया है अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मैंने आपको किया हूँ, किसी अलग कंटेंट था ये, मैं आपको दिखाने के लिए इसमें कर रहा था, तो मैं कुछ कुछ वैल्यू इसमें चेंज किया हूँ, वो आपको देखना है, वो आप बस इस फॉर्मूला से देखोगे तो आप सारे कुछ समझ जाओगे। तो मेरा डी निकल गई है। अब नेक्स्ट केस जो आता है, मुझे नंबर ऑफ टर्न, मुझे एन निकालना है, ठीक है। तो एन निकालने के लिए अभी जो मेरा है ये शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला लग गया, अभी मैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगा के मैं एन निकालूंगा, देखिए। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न निकलने के लिए, एन निकलने के लिए कौन सी फॉर्मूला आता है जिसमें एन रहता है, आपको ये देखना है जो मेरा एन होता है किस फॉर्मूला के साथ आता है एन। तो डिफ्लेक्शन जो मेरा वैल्यू दे रखा है, तो मैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें जो मेरा फॉर्मूला है इसमें एन आ जाता है। तो ऑलरेडी मुझे सी पता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पता है, स्मॉल डी मुझे पता है, तो आपको यहाँ से n निकल जाएंगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, देखो अब जब n निकालोगे, ऐसा तो नहीं आप जैसे 13.12 आ रहे हैं तो आप क्या करोगे 13.12 का n, क्योंकि n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉइल होता है, कॉइल में कितना नंबर ऑफ जो कॉइल होते हैं इसमें कितना नंबर आ रहा है, 10, 12, 13, 14, तो आप इसकी अप्रोक्सीमेट जैसे 13.12 आ रहा है तो मैं 13 ले लूंगा इस केस में, ठीक है। अब उसको भी अब जब दोस्तों अब देखो ध्यान रखना आपको इसी है, जब आप n लेते हो ना तो n भी फेरी करता है, आप कौन सी वाली ले रहे हो, ठीक है। कौन सी वाली मतलब जैसे मैं स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड ले रहा हूँ जिसमें आपकी, चलो मैं दिखा दूँ इसके लिए, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। ये रहा आपकी शर्ट, जैसे आप किस टाइप ऑफ n ले रहे हैं, आप अगर प्लेन n ले रहा है जहां पे प्लेन n होगा वहां पे आप सिंपली n ही रखोगे, अगर आपकी ग्राउंड एंड है तो आप n रखोगे, आप अगर आपकी स्क्वायर एंड है तो आप n प्लस 2 रखोगे, अगर स्क्वायर एंड ग्राउंड दोनों साइड आपकी दोनों है तो आप n प्लस 2 करोगे, अगर सॉलिड लेंथ है फ्री लेंथ है, आपको ये दोनों देख के यहाँ पे फॉर्मूला पुट अप करना पड़ेगा। तो मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ एकदम, तो मैं इसलिए सिंपल एन रखा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली आपको देखना ये है, आप स्क्वायर और ग्राउंड एन ले रहे हो, स्क्वायर एन ले रहे हो, ग्राउंड एन ले रहे हो, प्लेन एन ले रहे हो, आपको कौन सी ले रहे हो और आपको क्या निकल रहे हो, इस फॉर्मूले के साथ आपको ऐड करना पड़ेगा ये तीनों फॉर्मूला। तो मुझे एन निकल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपली एन लिया था, बट आपको अगर मैं स्क्वायर एन ग्राउंड एन लूंगा तो मुझे एन प्लस 2 एन करना पड़ेगा, मतलब मेरा बोलने का ये है, जैसे मेरा यहाँ पे n मिलेगी, अगर मुझे यहाँ पे स्क्वायर n ग्राउंड n लूंगा मैं, तो यहाँ पे मुझे क्या करूंगा n प्लस 2 कर दूंगा, मतलब 13 प्लस 2 इक्वल टू 15, तो मैं n लूंगा 15, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये देखना है आपकी कौन सी स्प्रिंग में काम कर रहे हो और क्या है स्प्रिंग की एंड, ठीक है। उसके बाद जो मेरा फ्री लेंथ की फॉर्मूला लग जाएगी, तो फ्री लेंथ मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया था, एल एव इक्वल टू एन इंटू डी प्लस डिफ्लेक्शन प्लस 0.15 इंटू डिफ्लेक्शन, तो ये आपकी निकल जाएंगे 139.4 mm की आपकी फ्री लेंथ, मतलब टोटल लेंथ स्प्रिंग की निकल जाएगी आपकी। उसके बाद आपको पीस देखना है, पीस आपकी हो गई आपकी एल एफ डिवाइड बाई एन माइनस 1, एल एफ मेरा 139.4 हो गई, तो मैं यहाँ पे 13 माइनस 1 कर दूंगा यहाँ पे, तो मेरा एल एफ बन जाएगी पीस आपकी, मेरा जो पीस बन रहा है ये अप्रोक्सीमेटली 11.61, तो मैं इसमें 12 मान लेता हूँ। तो इस तरीके से आप सारा न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको सारा कुछ मिल गया है। अब आपकी जब डिजाइन करोगे कोई दिक्कत नहीं, हम डिजाइन करते हैं इसके ऊपर फिर बात करते हैं। तो लाइक इस तरीके से सारा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, जिस भी उसको ये स्क्रीनशॉट चाहिए या स्पेशली चाहिए तो मेल आई डी यहाँ पे डाल देना, मैं मेल आपको कर दूंगा। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, जब भी स्प्रिंग वगैरह के केस आए तो आप इस तरीके से आपको फॉर्मूला लगा के करना पड़ेगा, ये आपकी आरएनडी में आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही है, अभी मैं वीडियो बनाता हूँ, आपको वीडियो में दिखाता हूँ क्या क्या होता है। दोस्तों इसमें मुझे एक चीज और बोलना है आपको, जिसमें मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मैंने लोड लगाया 200, वो तो मैं मेरा जो टारगेट निकालना है उसके हिसाब से मैंने लगाया, इतने मेरे लोड लगेंगे अप्रोक्सीमेटली, मैंने उसकी टोनेज वगैरह निकाला था। बट यहाँ पे जो मैंने 420 MPa लिया हो, जो मैंने यहाँ पे 420 MPa लिया हो, वो कैसे लिया मैंने, वो तो मैं आप तो ऐसे बोल सकते हो कि यार आपने कैसे ले लिया, शेयर स्ट्रेस कितना ले लिया आपने, क्यों लोगे आप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, इसको लेने के लिए ये एक फॉर्मूला लगता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी जो लिस्ट है, ठीक है। जो
लोड लगती है ना, वो आपकी मटेरियल के ऊपर लगती है। जैसे मैंने ये जो मैंने डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें मैं आपकी कार्बन स्टील यूज कर रहा हूँ, तो कार्बन स्टील में मेरा जो डायमीटर निकला था, जो मेरा आप जो डायमीटर निकला है, पर आप मैं डायमीटर चेक करवा देता हूँ, जो डायमीटर निकलता है उसके हिसाब से आपको ये जो आपकी अलाउबल स्टेयरस्टेस लगती है ना, वो आप उसके हिसाब से। मैंने 420 लिया क्योंकि 420 मेरा डायमीटर आ रहा था, 4.6 से लेके 8 mm के बीच तक आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है आपकी। तो मेरा जो आया था 6.3 आए थे अप्रोक्सीमेटली। तो आप इसको मैं दिखाता हूँ मेरा कितना है, आप देख पा रहे हो मेरा 6.3 आया था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो डी बनती है आपकी 6.3 बना है, लेकिन 6.3 आपको नहीं लेना है। तो आपको डी मैं दिखाता हूँ, डी मेरा कितना लेना है। तो ये शार्ट है जो आपको डी निकालने के लिए होती है। तो जैसे हमने 6.3 आया था, तो इसके जगह आप 6.4 लोगे। क्यों 6.4 लोगे? क्योंकि 6.3 का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जो वायर गॉज से निकलती है ना, 6.3 का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो इस केस में आप 6.4 लोगे। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी आपको कितना शियर स्ट्रेस निकालना है। तो आप यहाँ से देखोगे आपके डायमीटर के हिसाब से आपको शियर स्ट्रेस निकालना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ट्रायल एंड एरर सिलेक्ट करके आप देखोगे आपको कितना डायमीटर लेना है पहली बार। तो उसके बाद आपको देखोगे जो मेरा डायमीटर है किसके अप्रोक्सीमेट किसके नजदीक आ रहे हैं, नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो उस नियरेस्ट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट आप उसको सेट करोगे। तो मैं यहाँ पे 6.4 लूंगा, जो मैं डिजाइन बनाऊंगा अभी उसमें मैं 6.4 लूंगा। और मेरा जो स्टेयरस्टेस मैंने दिया था उसमें 420 इसलिए दिया था, जो मेरा इसकी वैल्यू है 4.6 से लेके 8 के बीच में 420 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें मैं 420 एमपी लिया हूँ इसीलिए क्योंकि मेरा जो मेरा डायमीटर निकला है ना, वायर की जो डायमीटर निकला है वो डायमीटर जो है 6.4 है। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए मैं आपको डिजाइन बना के दिखाता हूँ। अब दोस्तों लास्ट केस में मैंने एक केस मैंने आपको दिखाया था, वो भी मैं इसमें थोड़ा क्लियर करवा देता हूँ आपको। तो वो आपको मैं क्लियर करवा देता हूँ। जो मैंने आपको बताया था कि किस केस में हम लोग n+1 करते हैं, n+2 करते हैं, किसी में n रखते हैं। जो आप स्प्रिंग डिजाइन करते हो ना, स्प्रिंग में आपकी जो एंड होते हैं आप किस तरीके से डिजाइन करते हो। एक होता है प्लेन एंड जिसमें मैंने ओनली n लिया हो, तो मतलब अगर मैं ओनली n लूंगा तो मेरा n लाइक कुछ इस तरीके से रहेंगे। जैसे आप क्यूब लगाते हो, अगर आप ग्राउंड एंड हो तो ऊपर से आपको कट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर स्क्वायर हो तो आपको जैसे है इसको ऊपर से स्ट्रेट रहेंगे, कोई एंगल पे नहीं रहेगा ये। अगर ग्राउंड एंड स्क्वायर हो जिसमें n प्लस टू लगता है, मैंने आपको बताया था, तो इसमें ऊपर से दोनों तरफ से आपको कट करना पड़ेगा। तो मेरा जो n था ओनली मैं जितना वैल्यू आया था उतना ही लिया था अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मैं इसमें डिजाइन करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको ले लिया। सबसे पहले मैं यहाँ जाऊंगा। ठीक है, डिजाइन देखो एक स्प्रिंग ही बनानी है, बट इसमें सारा कुछ कैलकुलेशन से बनाना पड़ता है, सारे कुछ प्रोसेस से आपको बनाना पड़ता है। तो इस केस में मैं हेलिक्स में गया हूँ। अब देखो जो मेरा टोटल LF है, ठीक है, टोटल जो मेरा लेंथ है, ठीक है, तो मेरा आया था इसमें टोटल लेंथ आया था 139.4। ठीक है, तो मैं वहां पे 139.4 डाल रहा हूँ। और जो मेरा पिच आया था, पिच मैंने जो निकला था मेरा अप्रोक्सीमेट 12 का निकले थे। ठीक है, तो यहाँ पे पिच जो था मेरा 11.61 के समथिंग निकले थे, लेकिन इसको मैं 12 ले लूंगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो पिच मेरा इतना निकल गई। अब नेक्स्ट केस जो मेरा आए थे, इसमें क्या गया था मेरा जो डायमीटर है, ठीक है ना, तो डायमीटर जो है यहाँ पे अब डायमीटर जो है 31.5 ही डालूंगा क्योंकि ये मेन डायमीटर है। ठीक है, तो जो जो थिकनेस ऐड करूंगा उसमें हम थिकनेस ऐड कर देंगे। तो मेरा इतना लेंथ हो गई। ठीक है, राइट हैंडेड से लेफ्ट हैंडेड से आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, मैंने इसको फिलहाल के लिए ओके कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में मुझे इसमें स्वीप में जाऊंगा, मैं स्वीप में जाके क्यूब ले लूंगा। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब देख पा रहे हो मेरा जो डी निकला था 6.3 था, तो हम यहाँ पे 6.4 कर देंगे। 401 स्टैंडर्ड साइज था, तो आपको 401 लेना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे स्टैंडर्ड कितना लेना है। ठीक है, ये वाला नहीं, आपका ये वाला होगा। ठीक है, इसमें लास्ट में दिखाऊंगा स्टैंडर्ड में आपको 4.1 कैसे लेना है। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड लिए थे उसमें, दो में इसमें आप कर सकते हो देख के। जैसे 4.01 है, ये वाला स्टैंडर्ड लेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4.01 लूंगा, सिंगल वाला कर लूंगा मैं यहाँ पे, अप्लाई कर देता हूँ। अब नेक्स्ट आते हैं हम जो मैंने आपको बताया था प्लेन वाले। अब यहाँ पे दूर से देखो तो थोड़ा यहाँ पे एंगल है, जो चीज मैंने आपको बताया था ये वाली केस है आपकी। मैंने प्लेन एन लिया है, तो प्लेन एन में आप थोड़ा सा एंगल पे आपको बनाना पड़ेगा लाइक दिस वे। तो इसमें जितना आपकी एन रहेंगे उतना ही एन रहेंगे। अगर इसके जगह पे आप स्क्वायर और ग्राउंड एंड लोगे, तो इसमें आपको फॉर्मूला मैंने बताया था ये वाली, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड के लिए आपको एन
प्लस टू करना पड़ेगा। अगर आप इसके जगह स्क्वायर एन लगाते हो, ठीक है, इसमें भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस केस में भी आपको एन प्लस टू लगाना पड़ेगा। अगर आप ग्राउंड एन लेते हो, मतलब जो आपकी पहली वाली है, पहला और दो, मतलब अगर ये दोनों लेते हो तो इसमें आपकी जितना एन है उतना ही एन रहेंगे, ठीक है। इन दोनों केस में आपको ओनली एन रहेंगे, जितना आपका एन निकलेंगे उतना ही रहेंगे, और इन दोनों केस में आपको एन प्लस टू लेना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। तो मैं सिंपली एन लिया था, कोई कैलकुलेशन नहीं लिया था हमने, एन जो है मैं कॉन्फ्यूज नहीं करना चाह रहा आपको। अब देख रहे हो यहाँ पे मैंने एन जितना आया था मैंने उतना ही लिया हूं, ठीक है। तो मैं एन प्लस टू एड नहीं किया हूं, ठीक है। तो अब देख पा रहा हूं मैं 30 नहीं लूंगा, तो इस हिसाब से मेरा ये एस इसी तरीके से आपको स्प्रिंग बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखने में बहुत सिंपल है, बट आपको कुछ कुछ चीजें, आपको सारे कुछ चीजें आपको लेके बनाना पड़ेगा। लाइक इस तरीके से आप स्प्रिंग डिजाइन करते हैं तो आपको स्प्रिंग वगैरह डिजाइन करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये क्राइटेरिया आपको फॉलो करके ही बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट करो, और जिसको कोई डाउट है तो डाउट वगैरह जो भी है कमेंट पे पूछ सकते हो। किसी को अगर ट्रेनिंग्स है तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या दिल्ली में मेरा ट्रेनिंग सेंटर चलता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग भी दिलाता हूँ मैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चलता है मेरा। तो जिसको भी कोई डाउट हो तो आप पूरी कर सकते हो, और अगर किसी कोई प्रोडक्ट बनवानी है, पूरी आरएनडी करना है, तो वो भी हो जाएगी आपकी। तो अगर वीडियो सही लगे तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। जय हिंद।